आज का हमारा लेक्चर जो था हमने कॉक्सिल केबल स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करना है। इसको कंप्लीट नहीं हुई थी हमारी कॉक्सिल केबल जो थी, तो उसकी देखनी है कि डिफरेंट टाइप्स जो हमने डिस्कस देखी थी वही। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं, पहले थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं पीछे टाइप्स ऑफ कॉक्सिल केबल से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। टाइप्स ऑफ कॉक्सिल केबल की जो डिफरेंट है, फ्लेक्सिबल कॉक्सिल केबल थी एक, ठीक है। सेकंड, फ्लेक्सिबल कॉक्सिल केबल इज यूज्ड वेयर द डिमांड इज टू फिट द केबल इनटू टाइट स्पेस विदाउट परफॉर्मेंस लॉस। कॉक्सिल केबल, फ्लेक्सिबल कॉक्सिल केबल कहाँ यूज होती है कि जहां पे हमारे पास ये बिल्कुल चांस ना हो कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को लॉस करना है, वहां पे हमारे पास इतनी डिमांड हो कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो 100% आए। समटाइम्स किसी ऐसी जगह पे वो हमारा इतना हमारे पास प्रेशर होता है कि वो कहते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 100% है और हमारी जो यूज हो रही है कॉक्सिल केबल वो बिल्कुल फिट हो, ठीक है, उसकी स्पेस भी बिल्कुल टाइट हो, तो वहां पे हम फ्लेक्सिबल कॉक्सिल केबल यूज करते हैं। ये देखें डायग्राम में इस तरह की केबल। समटाइम्स आप लोग केबल जो है अपनी टीवी वगैरह की कनेक्शन में वहां पे इस तरह की केबल यूज करते हैं, क्लियर। अगेन सेमी रिजिड कॉक्सिल केबल, सेमी रिजिड केबल इज यूज्ड अ सॉलिड कॉपर आउटर शीथ। सेमी रिजिड जो केबल है वो उसके सॉलिड कॉपर आउटर शीट, इसके बाहर वाली साइड पे जो है वो सॉलिड रिजिड शीट होती है। दिस टाइप ऑफ कॉक्स ऑफर सुपीरियर ट्रांसमिशन स्पेशली एट हाई फ्रिक्वेंसी। और ये आम खास तौर पे ये इसकी ट्रांसमिशन जो है बहुत सुपीरियर है, यानी हाई लेवल पे इसकी ट्रांसमिशन होती है और ये ट्रांसमिशन इसकी हमारे लिए काफी अच्छी जो है। इससे ट्रांसमिशन हमारा डाटा जो है ट्रांसमिट होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये सिग्नल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से पास होते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप इज दैट द केबल एंड इट्स नेम एम्प्लाइज इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो केबल जो है ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। इस टाइप की जो हमारी केबल है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हमारा डाटा जो लॉस है वो होता है वहां पे इश्यू हो सकता है, ठीक है। वैसे ट्रांसमिशन तो सुपीरियर होगी, फास्टली ट्रांसमिशन होगी, लेकिन हमारा डाटा लॉस होने का इसमें खदशा होता है। आगे है हैंड फॉर्मेबल कॉक्सिल केबल। दीज केबल्स आर बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड सेमी रिजिड। हाँ जी, क्यों रेज हैंड की? एक मिनट, हाँ जी मैम स्क्रीन स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं हो रही, एक मिनट देखें जरा क्या हो रही है। नहीं मैम, सिर्फ यही आ रहा है, हमारा अकबर है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। आपका फिर इंटरनेट स्लो होगा, देखें जरा दोबारा। मैंने तो स्क्रीन शेयर करती हुई है, शोर भी हो रही है। चलो ठीक है, फिर मैं ऐसे ही लेक्चर ले लेता हूँ। स्टार्ट नहीं, आप रीस्टार्ट करके देखें या तो क्विट करके दोबारा ज्वाइन करके देखें, फिर मे बी आप लोग आपको शो हो। जी मैम, मैं लीव करके शो कर दोबारा करता हूँ। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं कि हैंड फॉर्मेबल कॉक्सिल केबल, जिसमें दीज केबल्स आर बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड सेमी रिजिड केबल। ये जो केबल है हमारी फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड केबल यूज होती हैं, कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और रिजिड भी होती है। इतनी हाई रिजिड नहीं होती है, लेकिन फिर भी रिजिड होती है हमारी, ठीक है। तो आगे दीज केबल्स आर गुड चॉइस व्हेन फॉर्मिंग अ पॉइंट इंस्टॉलेशन, जिसमें हमारा क्या होता है कि पॉइंट जो है इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमारी जो केबल्स हैं ना तो ज्यादा इतनी वो फ्लेक्सिबल होती है, हमारी फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड के दरमियान होती है, ठीक है। सम हो पार्शली फ्लेक्सिबल भी होती है, पार्शली रिजिड भी होती है, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, हैंड फॉर्मेबल कॉक्सिल केबल। आगे है ट्विन एक्सियल केबल। इसमें क्या आता है, ट्विन एक्सियल केबल इज अ बैलेंस ट्विस्टेड पेयर विद अ सिलेंड्रिकल शील्ड। इसमें ये कि सिलेंड्रिकल यानी गोल सिलेंडर की शेप होती है। अब शो हो रही है आपको स्क्रीन, मुझे टेक्स्ट करके बता दें कि शो हो रही है कि नहीं। अच्छा, इसमें ये क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारी ट्विस्टेड पेयर इज विद इन सिलेंड्रिक, क्यों नहीं शो हो रही?
हो गई। चलो ठीक। अच्छा ट्विस्टेड, अब ट्विन एक्सियल केबल को देखते हैं। ट्विन एक्सियल केबल इज अ बैलेंस ट्विस्टेड पेयर विद इन अ सिलेंड्रिकल शील्ड। इसमें शील्ड होती है जो कि सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल होती है। इट अलाउज अ परफेक्ट सिग्नल विच इज शील्डेड एंड बैलेंस टू पास थ्रू। ये करती है कि हमारे सिग्नल्स को परफेक्टली पास आउट करने के लिए यूज होती है। इसको जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं जो परफेक्टली अगर हमने पास आउट करवाने हो, विच इज शील्डेड, जो कि शील्ड होते हैं एंड बैलेंस टू पास थ्रू, और हमारा जो सिग्नल्स हैं वो इजिली पास हो सके, उसके लिए इसको इस शील्ड को यूज करते हैं। इसको ट्विन एक्सियल केबल कहते हैं। ट्विन एक्सियल केबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्विस्टेड पेयर यूज होती है। ये देखें इस टाइप की केबल है। ये भी आप लोगों ने घरों में अक्सर या कहीं पे यूज अपनी रियल लाइफ में देखी होगी। आगे है ट्राई एक्सियल केबल। ट्राई एक्सियल केबल इज अ कोएक्सियल केबल विद अ थर्ड लेयर ऑफ शील्डिंग। ट्राई एक्सियल केबल क्या होती है कि कोएक्सियल केबल की थर्ड लेयर ऑफ शील्डिंग है। इसमें तीन लेयर ऑफ शील्डिंग होती है, जैसे इंसुलेशन एंड शीथिंग। शील्डिंग, इंसुलेशन और शीथिंग होती है। अब ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन इज वन, सेकेंड, थर्ड, उसके अंदर ही केबल होते हैं। द आउटर शील्ड इज अ ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड द इनर शील्ड। ये वाली जो शील्ड है ये ग्राउंडेड है और ये अंदर वाले शील्ड को प्रोटेक्ट करती है। द इनर शील्ड फ्रॉम इंटरफेरेंस फॉर आउटर आउटसाइड सोर्स। ये वाली जो शील्ड है ये इंटरफेयर करती है यहाँ से व्हाइट वाली जो हमारी आउटर जो है सोर्स और इनर सोर्स, इन दोनों के दरमियान जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है कि जो बाहर से अगर कोई ऐसा सोर्स आ जाए या इधर से सोर्स आ जाए तो दरमियान में ये इसको हैंडल करती है, जो हमारी इनर शील्ड होती है। और जो आउटर शील्ड होती है ये ग्राउंडेड शील्ड जिसको कहते हैं, ये हमारी इनर शील्ड को प्रोटेक्ट करता है। और ये इंसुलेशन और शीथिंग होती है। अब है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स है द एंड ऑफ कॉक्सियल केबल यूजली टर्मिनेट विद अ कनेक्टर। हमारी जो एंड्स हैं कॉक्सियल केबल के वो यूजली जो है वो टर्मिनेट करते हैं कॉक्सियल केबल से, कनेक्टर जो होते हैं। आगे कॉक्सियल कनेक्टर्स आर डिजाइन टू मेंटेन अ कॉक्सियल फॉर्म अक्रॉस द कनेक्शन एंड हैव द सेम इंपीडेंस एज अ अटैच केबल। जो भी हमारी केबल्स होती हैं उसमें जितनी भी हमारी वो अटैच होती हैं उसमें हमारा जो भी कुछ यूज हो रहा होता है कॉक्सियल केबल के कनेक्टर के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। इसमें वर्ड है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसको कहते हैं कि किसी चीज की सर्किट को मैयर करने के लिए ऑपोजिशन से कितना करंट आ रहा है, किस लेवल का करंट आ रहा है हमारा, उसको मैयर करने को कहते हैं इम्पीडेंस। जिसमें हमारा करंट जो वोल्टेज है जिसमें अप्लाई करते हैं उसको इम्पीडेंस कहते हैं। इसमें क्या है वो कह रहे हैं कि कॉक्सियल कनेक्टर्स आर डिजाइन टू मेंटेन अ कॉक्सियल फॉर्म। जो हमारा कॉक्सियल कनेक्टर्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं कॉक्सियल को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा कनेक्शन जो क्रिएट हो और सेम इंपीडेंस अटैच केबल, जो भी उस केबल में करंट आ रहा है उस करंट को मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, यानी हमारे करंट कम या ज्यादा ना हो, वोल्टेज जो आ रहा है वो कम या ज्यादा ना हो, वो बैलेंस रहे और हमारा कनेक्टर भी कनेक्शन भी मेंटेन रहे। कनेक्टर्स आर यूजली प्लेटेड विद अ हाई कनेक्टिविटी मेटल सच एज सिल्वर और गोल्ड। कनेक्टर्स जो है वो कह रहे हैं यूजली प्लेटेड विद अ हाई कंडक्टिविटी। इसमें कंडक्टिविटी हमारी हाई होती है मेटल्स होते हैं सच एज सिल्वर, और सिल्वर और गोल्ड का जो मेटल है वो यूज होता है ताकि हमारी कंडक्टिविटी सही हो, हमारा जो करंट है वो अच्छे से पास हो सके। इन द केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क केस में बीएनसी आरएफ कनेक्टर्स आर यूज्ड। और हमारे कंप्यूटर जो हमारा नेटवर्क है उसमें हम ये दो कनेक्टर्स यूज करते हैं, बीएनसी वायलेट नील कंसीलमैन एंड आरएफ कनेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉक्सियल केबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस। के जो हमारी कॉमनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कॉक्सियल केबल के लिए यूज होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए। इम्पीडेंस इज अ टोटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। जो मैंने भी बताया था कि इम्पीडेंस क्या है कि हमारा टोटल जितनी भी ऑपोजिशन से यानी हमारी ऑपोजिट साइड से करंट आ रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसका फ्लो जो हो रहा है एक केबल में ऑपोजिट साइड से, वो टोटल अगर उसका सम करें तो उसको कहते हैं इम्पीडेंस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू डिफाइंड बाय द केबल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू जिसको डिफाइन करते हैं हम केबल के केबल में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, यानी कितनी रुकावटें आ रही हैं, किस तरह की रुकावटें आ रही है, किस किस्म का इश्यूज आ रहे हैं उसमें। तो इट इज एक्सप्रेस इन ओहम्स। इसका जो यूनिट है उसको ओहम्स में एक्सप्रेस करते हैं। अ सिंपल फॉर्मूला टू डिटरमिन, अगर हमने
किसी भी कोक्सियल केबल का, हमारे पास कोक्सियल केबल है उसका हमने इम्पीडेंस फाइंड करना है कि हमारी ऑपोजिशन से किस लेवल का करंट आ रहा है, तो हम इस फॉर्मूले से उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्पीडेंस इज इक्वल टू 138 मल्टीप्लाई वी, ये हमारा वोल्टेज है, पावर उसकी और लॉगरिथम ऑफ 10। ठीक है, ये हमारे पास इन फॉर्मूलाज के थ्रू, इसमें ये डिफरेंट चीजें बताई गई हैं कि कौन कौन सा वीपी है, वेलोसिटी टू प्रोपगेशन, प्रोपगेशन है हमारी कितनी इन द स्पीड, यानी स्पीड विच सिग्नल ट्रेवल, कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं केबल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के लिहाज से कि लाइट कितनी आ रही है उस लिहाज से हमारी जो केबल के अंदर वोल्टेज है या स्पीड है वो किस तरह कर रही है, उसको कहते हैं वीपी। और डी है डायमीटर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, हमारी डाई इलेक्ट्रिक का डायमीटर कितना है, और स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर है जिस कंडक्टर को हम यूज कर रहे हैं अपने करंट को फ्लो करने के लिए उसका डायमीटर क्या है। ठीक है, स्मॉल डी। तो इन अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज होंगी तो हम अपनी कोक्सियल केबल की इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ऑपोजिशन में कितना करंट आ रहा है। आगे है कैपेसिटी सेंस, कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द केबल टू होल्ड अ चार्ज, कि किसी भी एक चार्ज को एक केबल में कितनी एबिलिटी है कि उस चार्ज को होल्ड कर सके। अब उसी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि एक सम टाइम हमारी केबल में बहुत ज्यादा कनेक्ट करंट आया तो हमारी केबल पिघलना शुरू हो जाती है, कभी ऐसा हुआ कि पिघल के जलना शुरू हो जाती है हमारी, थोड़ी सी वो स्पार्क करना शुरू कर देती है, तो उससे क्या होता है कि वो उस करंट को हैंडल नहीं कर पाती, या कहीं पे बहुत हाई वोल्टेज की लाइट आ रही है और वहां पे हम बहुत लो लेवल की केबल लगा दें तो वो उस करंट को हैंडल नहीं कर पाती। ठीक है, और वो कुछ दिनों में चलना शुरू, जब हम चलाते हैं तो वो क्या होता है, वो वहां से पिघलना शुरू हो जाती है और पिघल के वो स्पार्क होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो चार्ज को होल्ड नहीं कर पाती। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू केबल टू होल्ड अ चार्ज, द लार्जर द कैपेसिटेंस वैल्यू द लॉन्गर इट टेक्स सिग्नल टू रीच फुल एम्पलीट्यूड विद इन अ केबल। जितना ज्यादा हमारा कैपेसिटेंस होगा, वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ज्यादा टाइम ये लेंगे हमारे एम्पलीट्यूड को केबल को फाइंड आउट पास आउट करने में, यानी ओवरली हमारी केबल जो होगी वो ठीक नहीं होगी, वो करंट को सही तरह फ्लो नहीं करेगी, विद इन उसका एम्पलीट्यूड वो कम हो जाएगा, हमारा करंट सही तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा और जो भी चीज है वो सही नहीं चल पाएगी। तो ये क्या है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। देयरफॉर हाई कैपेसिटेंस इज यूजली अ बैड एट्रीब्यूट, तो हमारे पास क्या है, हाई कैपेसिटेंस नहीं होनी चाहिए, हाई कैपेसिटेंस इज अ बैड एट्रीब्यूट, कि हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कम से कम ही हो तो ही हमारी वो केबल जो है वो ज्यादा अच्छी और बेस्ट होती है। कि मतलब कि इसका ये भी है कि अगर हमने किसी केबल की वो इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी हो या पता करना हो कि कितनी इसमें लेवल है हमारे चार्ज को होल्ड करने का, था हम उसकी कैपेसिटेंस को देखें कि इसमें कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी वैल्यू। क्लियर, आगे है जी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर रेटिंग है, पुलिंग टेंशन है। सबसे पहले टेम्परेचर रेटिंग होती है, टेम्परेचर रेटिंग प्रोवाइड द लिमिटेशन ऑन टेम्परेचर एक्सट्रीम दैट अ केबल मटेरियल कैन हैंडल। टेम्परेचर रेटिंग प्रोवाइड करती है हमारी डिफरेंट लिमिटेशंस को टेम्परेचर पे, जहाँ पे मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो केबल्स हैं जहाँ पे मटेरियल होता है उनको हैंडल करने के लिए, हमारा बहुत ज्यादा गर्म यहाँ पे टेम्परेचर हो, हाई लेवल का टेम्परेचर हो, वहाँ पे हमारी उसकी रेटिंग को, वहां पे केबल का मटेरियल इस तरह यूज करना चाहिए जहाँ पे वो उसका टेम्परेचर को हैंडल कर सके। द सेफ रेंज इज बेस्ड अपॉन द थर्मल प्रॉपर्टीज, हमारी सेफ साइड ये है कि हम उस थर्मल प्रॉपर्टीज को यूज करें फॉर ए डाई इलेक्ट्रिक एंड जैकेट मटीरियल, जिसमें डाई इलेक्ट्रिक हमारी और जैकेट मटीरियल केबल्स हो, दैट एश्योर द प्रोडक्ट विल नॉट फ्रैक्चर ऑन और मेल्ट। यही बात, ये जो मैंने बात की कि हमें इससे सेफ रहने के लिए कि हमारी जब हम सारे कनेक्शन कर दें बाद में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उससे बेहतर है कि हम पहले ही देखें कि ये वाली जो है थर्मल, इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, उसकी डाइलेक्ट्रिक और जैकेट मटेरियल देखें कि ये किस, इसका जैकेट बाहर की आउटर जो शीट है वो किस तरह की है, इनर शीट कैसी है, ये इस करंट को हैंडल कर पाएगी कि नहीं, बाद में इस पर अगर लोड पड़ेगा तो ये मेल्ट तो नहीं होगी, पिघल तो नहीं जाएगी या फ्रैक्चर हो जाएगी या कट आउट हो जाएगी। समटाइम्स अगर हम देखें घरों की जो मोटर वगैरह होती है या फ्रिज होती है या एसी वगैरह होता है, वहां की केबल जो होती है वो काफी मोटी और काफी थिक होती है और वो काफी गुड कंडक्टर की होती है ताकि उसमें अच्छे से कंडक्शन हो। तो इससे क्या होता है, तो अगर हम वहां पे किसी
लाइट वेट का लगा दें, और तो आप लोगों को ये नोटिस किया होगा कि उनके स्विचेस भी बड़े होते हैं, एसी का स्विच बड़ा होता है, हमारी मोटर का जो स्विच लगा होता है वो बड़ा होता है। अगर हम वहां पर छोटा स्विच लगा दें तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे लोड ज्यादा पड़ेगा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, गर्म हो जाता है स्विच, तो क्या होता है कि क्यों, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से क्या होता था, मेल्ट होके जल जाता है और खराब हो जाता है, फिर हमें चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पड़ता पाता करंट को। तो हमें इसी तरह केबल्स भी उस तरह की रखनी चाहिए, उस तरह इंश्योर कर लेना चाहिए कि इसकी जो जैकेट मटेरियल है किस तरह का बना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, और ताकि हमारी बाद में वो मेल्ट ना हो या फ्रैक्चर ना हो। पुलिंग टेंशन है, पुलिंग टेंशन में क्या करते हैं, इट इज टिपिकली अ सेफ वैल्यू वेल बिलो द ब्रेक स्ट्रेंथ ऑफ अ केबल, के केबल की किस तरह हम उसको ब्रेक डाउन करने की स्ट्रेंथ है, कि हम कि इसकी ये देखें कि अगर इसको कट कर सकें या ब्रेक कर सकें उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। स्टेइंग बिलो दिस मैक्सिमम अश्योर दैट द कंडक्टर विल नॉट बी स्ट्रेच इन द केबल, ये जो कंडक्टर है वो स्ट्रेचेबल ना हो, कि अगर करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर वो इतने गुड कंडक्टर है लेकिन वो केबल को स्ट्रेच करना शुरू कर दे, यानी स्ट्रेच हो तो वो अपनी रियल शेप से हट जाएगी, जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी दरमियान से। ऑब्वियसली एक चीज को हम आहिस्ता 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 स्ट्रेच करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टूट टूट जाएगी, एक लिमिट तक ही स्ट्रेच हो सकती है। तो जब कंडक्टर गुजरेगा तो हमें नहीं पता कि वो किस हद तक उसको स्ट्रेच करता है, तो इससे भी हमारी जो केबल है वो डिस्कार्ड हो सकती है, तो इसको कहते हैं पुलिंग टेंशन। आगे है एटेन्यूएशन। अच्छा, इसमें इसको देखते हैं रिडक्शन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कि हमारे जब सिग्नल स्ट्रेंथ हो रही है, हमारे सिग्नल जा रहे हैं गुजर रहे हैं उसके दरमियान कितना हमारा डाटा जो है वो गुजर रहा है, कितना डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जितने किस हद से हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा है, किस हद तक हमारा डाटा आगे जा रहा है, तो इसको कहते हैं इट इज अ डिपेंडेंट अपॉन द केबल डिजाइन, के केबल की डिजाइन किस तरह बने हुए हैं, ठीक है, किस तरह केबल को डिजाइन किया है, किस तरह हमारे केबल की डिजाइनिंग की है, उसमें कौन सी शीट लगाई गई है, उसकी इनर कौन सी लगाई हुई गई है, ठीक है, दो डिजाइन देखना है कि इसकी डिजाइन एंड बोथ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ डिपेंडेंट, कितनी लंबी है इसकी डिपेंड, इसकी लेंथ भी डिपेंड करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे करंट को फ्लो करने के लिए, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जिस तरह हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उसके सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करने की कैपेसिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। इट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय डीसी ट्रांजिस्टर ऑफ द, जिसको डीसी ट्रांजिस्टर ऑफ द सेंट्रल कंडक्टर एंड डिसिपेशन फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें कहते हैं कि हमारी जो ट्रांजिस्टर है जो हमारी रुकावटें आती हैं उसके लिए उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, समटाइम्स हमारे करंट में रेजिस्टेंस होना जरूरी होती है, समटाइम्स हमारे फ्लो में रेजिस्टेंस होना नहीं जरूरी होती, तो ये क्या करता है हमारे उस मटेरियल को अफेक्ट करता है, ठीक है, और इसका यूनिट है डिसेबल जिसको हम मेजर करते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 10 logarithm पी नोट ओवर पी वन, पी नोट क्या है आउटपुट पावर और पी वन क्या है इनपुट पावर, कि हमारे पास इनपुट की कितनी पावर आ रही है, कितना करंट हमारा इनपुट आ रहा है और हमें आउटपुट में कितनी लाइट या क्या मिल रहा है, तो ये दोनों होंगे तो हम इससे एटेन्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास रिपीटर हैं, रिपीटर्स आर यूज इन कॉक्सल केबल टू रिड्यूस एटेन्यूएशन, हम क्या करते हैं रिपीटर जो है वो यूज करते हैं कॉक्सल केबल को, मतलब रिपीटर्स ये होते हैं कि बार बार अगर हमारे पास एक ही डाटा आ रहा है या एक ही डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम चीज करें तो वो चीज इसको रिड्यूस करती है। रिपीटर्स कैन कपल टुगेदर 2500 m सेगमेंट्स ऑफ कॉक्सल केबल, ये मैं इसकी इन्होंने बताई हुई है कि क्या है कि अगर हम 500 meter जो है सेगमेंट्स को लें कॉक्सल केबल, ठीक है, तो उसमें रिपीटर जो है ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे डिफरेंट सिग्नल सेगमेंट जो हैं ये सिग्नल्स हैं उनको वो ट्रांसमिट कर सके और हमारे केबल्स को जो सिग्नल्स हैं उनको हैंडल कर सके, किस तरह हमने इसको पास करना है अपने वैल्यूज को या किस तरह हमने अपने सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को आगे पास आउट करना है। रिफ्लेक्शन लॉसेस क्या है, रिफ्लेक्शन लॉसेस आर बेस्ड अपॉन सिग्नल रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सोर्स रेदर देन प्रोपगेशन थ्रू द केबल, अब यहाँ पे ये चीज वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन लॉसेस किस पे डिपेंड करती है, सिग्नल रिफ्लेक्टिंग पे, कि किस तरह हमारे सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये किस तरह हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है, तो
बैक टू द रिसोर्स रेदर देन प्रोपोगेशन थ्रू द केबल, कि जितनी प्रोपोगेशन हमारी केबल्स के थ्रू आ रही है उसमें कितना डाटा लॉस हो रहा है, और जितने हमारे सिग्नल्स रिफ्लेक्ट करें उससे हमारा कितना डाटा लॉस हो रहा है. तो वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन लॉसेस. दीज रिफ्लेक्शंस आर कॉज्ड बाय इंपीडेंस मिसमैच और वेरिएशन इन द केबल. ये रिफ्लेक्शंस की वजह क्या है, तीन वजह है. एक तो इंपीडेंस मिसमैच, कि हमारा जो इंपीडेंस है वो मिसमैच हो रहा है, हमारी जो इंपीडेंस आ रही है वैल्यू वो हमारी किसी से ओपोजिशन में करंट जो आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा, जितना हमें चाहिए होता है उससे मैच नहीं कर रहा होता है, उससे ज्यादा आ रहा है इम्पीडेंस की वैल्यू, उससे ज्यादा आती है. सेकंड रीजन है मिनिमल लॉस, सॉरी इम्पीडेंस मिस मैच वेरिएशन ऑफ केबल, की हमारी केबल्स में वेरिएशन आती है, डिफरेंट केबल्स अटैच की होती है हमने, तो उसमें वेरिएशन जब आती है तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. उसके बाद है रैंडमली स्पेस थ्रू आउट द केबल, दीज मिसमैचेस विल कॉज मिनिमल लॉस. तो ये जो मिसमैचेस हैं ये हमारे मिनिमल लॉस में हेल्प आउट करते हैं, यानी कम से कम लॉस हमारा होता है. बट व्हेन स्पेस पीरियोडिकली दैट इज सेम रिपीट डिस्टेंस दे एड अप टुगेदर कॉजिंग द लॉस. अब ये कि अगर हमारे पास पीरियड वेवलेंथ हो या डिस्टेंस रिपीट हो रहा हो तो वहां पे हम डिफरेंट पीरियोडिकली डिफरेंट ग्रुपिंग कर देते हैं एक लिहाज से, ठीक है. जब वो ग्रुपिंग होती है तो उसको फिर एट द एंड हम सब ग्रुपिंग का रिजल्ट एड अप करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज लॉस जो है, जो उससे हम बड़े लॉस से बच जाते हैं, ये जो है हमारे पास, इसको पीरियड वेवलेंथ भी कहते हैं. दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय क्वालिटी केबल मैन्युफैक्चर. अब हमारे पास ये हम लॉस को कम करने के लिए एक और रीजन है कि हम केबल मैन्युफैक्चर, हमारी जो क्वालिटी ऑफ केबल में किस तरह की केबल बनी हुई है उसकी क्वालिटी चेक करें. ये क्वालिटी किस क्वालिटी की केबल है, ये क्वालिटी जो केबल है वो हमारी इस चीज को हैंडल कर सकती है, हमारा डाटा लॉस तो नहीं हो सकता है. तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स और प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपीरियंस भी इसमें आ जाता है, कि एक्सपीरियंस के साथ भी हमें केबल्स का अंदाजा हो जाता है. आगे है क्रॉस टॉक. क्रॉस टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कपलिंग बिटवीन एडजेसेंट वायर पेयर व्हिच अकर्स व्हेन अ वायर एब्जॉर्ब सिग्नल फ्रॉम एडजेसेंट वायर. क्रॉसटॉक हमारे पास है कि जितनी भी हमारी कपलिंग हुई है अमाउंट बिटवीन डिफरेंट वायर पेयर में, डिफरेंट वायर्स हैं, ठीक है, उनकी आपस में हमने कपलिंग की है कि ये वाली इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाली इसके साथ कनेक्टेड है, जब वो अकर होती है तो उसमें डिफरेंट सिग्नल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी हमारी कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एडजेसेंट वायर में, उसको कहते हैं क्रॉसटॉक रेफर. क्रॉसटॉक इज अ मेजर बाय इंजेक्शन injecting a signal into one pair and then measuring the strength of the signal on each of the other pair. हम क्या करते हैं कि हम signal inject करते हैं एक pair में और फिर दूसरे pair से हम उसकी strength find out करते हैं कि कितनी इससे हमारे signals को strength गई है, ठीक है. उस strength से हमारी cable की elasticity, efficiency, उसकी manufacturing quality सब पता चल जाता है, किस तरह हमने इसको किस तरह measure करके कहाँ कहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, कितना डाटा यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है, कितना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. आगे है क्रॉसटॉक. ये देखें कि ये वर्क स्टेशन है और लैन इक्विपमेंट है, यहाँ पे ट्रांसमिट डाटा होता है और ये रिसीव होता है, यहाँ पे ट्रांसमिट से रिसीव होता है और यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे रिसीव होता है, दरमियान में डिफरेंट सिग्नल है. ये लैन इक्विपमेंट है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज हो रहा है, ठीक है. इट डिपेंड्स के किसने हद तक हमने इसकी लिमिटेशन करनी है, तो वहां पे हम वही वाला अपना नेटवर्क यूज करेंगे. अब इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि कोएक्सियल केबल की एप्लीकेशंस के कहां कहां पे यूज होता है. लॉन्ग डिस्टेंस कोएक्सियल केबल वाज यूज इन कनेक्ट रेडियो नेटवर्क एंड टेलीविजन नेटवर्क. जैसे मैंने आपको बताया था समटाइम्स हम टेलीविजन में यूज कर सकते हैं करते हैं, तो लॉन्ग जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस की अगर हम कोएक्सियल केबल यूज करें तो वो क्या है, कनेक्ट हम करते हैं रेडियो में या टेलीविजन नेटवर्क में, वो सिग्नल उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस से अटैच कैप्चर करने होते हैं, तो फिर वहां पे हम ये लॉन्ग डिस्टेंस कोएक्सियल केबल यूज करते हैं. आगे हैं, इट इज यूज्ड बाय कंज्यूमर टू कनेक्ट टेलीविजन रिसीवर टू एक्सटर्नल एंटीना. इसको हम इसलिए भी यूज करते हैं कि टेलीविजन के हमारे पास सिग्नल रिसीवर हो, एक्सटर्नल एंटीना जो लगे होते हैं या जो भी हमारे सिग्नल्स के को कैच करने के लिए डिफरेंट हमने मैकेनिज्म यूज किए होते हैं उसमें भी यूज होते हैं. शॉर्ट कोएक्सियल केबल्स आर आल्सो एम्प्लॉयड टू कनेक्ट होम वीडियो इक्विपमेंट एंड रेडियो सिस्टम. जो शॉर्ट कोएक्सियल केबल्स हैं वो हमारी डिफरेंट
घर की जो वीडियोस हैं, इक्विपमेंट जैसे रेडियो सिस्टम, उसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी डिस्टेंस कम होता है, शॉर्ट सिस्टम होता है, तो वहां पे हम इजीली इनको यूज कर लेते हैं। आगे है हमारे पास माइक्रो कॉक्सिल केबल आर यूज इन द रेंज ऑफ कंज्यूमर डिवाइसेस। माइक्रो कॉक्सिल केबल्स जो टाइप थी, इसमें वो कह रहे हैं कि यूज होती है रेंज ऑफ कंज्यूमर डिवाइसेस, कि हमने कितनी कंज्यूमर डिवाइसेस में कौन कौन सी केबल्स यूज हो रही हैं, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ऑल्सो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, कहाँ भी कहीं भी हमने स्कैनिंग करनी है या अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है, मिलिट्री में या डिफरेंट डिवाइसेज में जो भी जिनको हम डिवाइसेस कंज्यूम करते हैं, यूज कर रहे होते हैं अपनी उसमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वहां पे हमने माइक्रो कॉक्सिल केबल यूज कर रहे होते हैं। कॉक्सिल केबल्स आर आल्सो वाइडली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो है ये लैन में यूज होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में कॉक्सिल केबल सबसे ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क में कॉक्सिल केबल ही यूज हो रही होती है। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। द मेन बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कॉक्सिल केबल इज दैट इट इज द डिफॉल्ट केबल ऑफ इट्स साइज। कि इसका मेन बेनिफिट ये है कि कॉक्सिल केबल का कि ये डिफॉल्ट केबल ऑफ इट्स साइज है, कि दिस मीन दैट मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑलरेडी कंपेटिबल विद कॉक्सिल, कि ऑलरेडी बहुत सारी इतनी वायर्स हैं जो इसके कंपेटिबल हैं, ठीक है, तो हमें इसको बाई डिफॉल्ट इसको यूज करना है हमें अपनी जहां पे इसकी जरूरत होती है। तो इसकी कंपेटिबल मार्केट में और भी बहुत सारी केबल हैं। अदर बेनिफिट्स ऑफ द कॉक्सिल केबल इंक्लूड इट्स एबिलिटी टू शील्ड टेलीविजन फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। के दूसरे बेनिफिट ये कॉक्सिल केबल के हैं कि इसमें जो है इतनी एबिलिटी है कि वो टेलीविजन शील्ड को आउटसाइड से जो भी इंटरफेरेंस आती है इसके शील्ड के थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी मैक्सिमाइज पिक्चर क्वालिटी एंड हेल्प टू अवॉइड स्टैटिक। जितने भी हमारी टेलीविजन की पिक्चर की क्वालिटी है ना, वो भी इस पे डिपेंड करती है कि पिक्चर किस हद तक ब्लर तो नहीं आ रही, उसके पिक्सल फटे तो नहीं हुए, पिक्चर की क्वालिटी क्या है। समटाइम्स हमें थोड़ी सी जो है टीवी की स्क्रीन थोड़ी ब्लर नजर आ रही होती है, या पिक्सल थोड़े फटे होते हैं, या कुछ हमें इस तरह की मजा नहीं आ रहा था। एक बिल्कुल क्लीन HD जो हमारी वर्जन होता है, वो हमारी जो टीवी है जो सिग्नल्स होते हैं वो कॉक्सिल केबल के थ्रू होते हैं, ठीक है। इट इज इन एक्सपेंसिव ऑल्सो, ये चीप रेट्स में मिल जाती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। उसका फर्स्ट वन से ये है कि इसकी कंपेटिबल जो है वो काफी है, तो इस वजह से इतनी ये कॉस्टली नहीं है, चीप रेट्स में ये मिल जाती है, हम आसानी से इसको गेट भी कर सकते हैं, और अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अगर कम रिसोर्सेज हैं तो हम उनमें इसको यूज भी कर सकते हैं। आगे एडवांटेजेस ऑफ कॉक्सिल केबल के, दे आर मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कि ये बहुत ज़रा छोटे से डिस्टेंस में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए बहुत आम यूज की जाती है। दे आर चीप टू मेक, बनाने में इसको बहुत आसान, मतलब मैंने अभी बताया कि ये चीप है, सस्ती है, तो इसलिए हम इजिली इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इजी टू मॉडिफाई, इसलिए इसको मॉडिफाई भी करता, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या ये मेल्ट हो गई है, इसमें कोई इश्यू आ गया, तो इसको मॉडिफाई भी करता आसान होता है, ठीक है। गुड बैंडविड्थ, ओके, इसकी बैंडविड्थ गुड है। बैंडविड्थ इसको कहते हैं कि किस डाटा रेट से हमारा डाटा जो ट्रांसफर, कितना डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने बैंडविड्थ का लेक्चर दिया था, उसमें ये भी है कि इससे हमारा मैक्सिमम डाटा रेट जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। आगे ग्रेट चैनल कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, ये ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम इसका यूज कर सकते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉक्सिल केबल, सिग्नल्स एंटरिंग द केबल कैन कॉज अनवांटेड नॉइज। अब क्या है, सिग्नल्स के साथ हमारा अनवांटेड नॉइज के ऐसी डिस्टरबेंस भी आ जाती है इसके साथ, जो हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती, जिसकी वजह से एंड पिक्चर घोस्टिंग मेकिंग इट यूजलेस। और हमारे लिए जैसे टीवी में समटाइम्स हमारी पिक्चर वो नहीं सही आ रही होती और से हमारे लिए यूजलेस होती है, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो वो हम नहीं चाहते, तो वैसी सिग्नल्स के साथ इसमें एंट्री हो सकती है। कंटिन्यूस करंट फ्लो इवन इफ स्मॉल अलोंग द इम्परफेक्ट फील्ड ऑफ कॉक्सिल केबल कैन कॉज विजिबल एंड ऑडिएबल इंटरफेरेंस। अब ये कि अगर हम इसमें कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा था, कहीं पे हमें छोटे हमें कम की जरूरत होती है और वहां पे हमें इतना फ्लो के साथ जरूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि वहां पे ये
फ्लो कर ही रहा होता है, तो इस वजह से वहां पे हमें इसका जो है डिसएडवांटेज ज्यादा था, वहां पे हम इसका यूज इतना नहीं करते। ठीक है, आगे है मोर एक्सपेंसिव एंड ट्विस्टेड पेयर। अब यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किए, वैसे तो चीप थी लेकिन ट्विस्टेड पेयर से ये जो है एक्सपेंसिव है, तो अगर लोगों के पास ट्विस्टेड पेयर अवेलेबल हो ज्यादा चीप में तो लोग फिर उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, एंड इज नॉट सपोर्ट फॉर सम नेटवर्क स्टैंडर्ड, और समटाइम्स कुछ नेटवर्क जैसे लैन के लिए मोस्टली यूज होते हैं, तो कुछ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के लिए ये यूज नहीं होती, तो इस वजह से वहां पे ये इश्यूज होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ हाई एटेन्यूएशन हैव नीड टू इम्प्लीमेंट रिपीटर्स, और वहां पे हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और रिपीटर्स के लिए इसकी एथेंटिकेशन हाई होती है, वहां पे हमें इसकी नीड जरूरत होती है, वहां पे हम रिपीटर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहां पे फिर हम ये यूज नहीं होती। ठीक है, बस ये हमारा कोक्सल केबल का लेक्चर था, मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स इसकी शेयर कर दूंगी। अच्छा, मैं अब आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हेलो।